नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलिया की। बलिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 घायलों को ग्रामीण अस्पताल लेकर पहुंचे और गंभीर हालत में 3 लोगों को वाराणसी के BHU अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात गाड़ी ने सामने से आ रही ऑटो में टक्कर मार दी थी। टेम्पो में 12 लोग सवार थे और ये लोग मैरिज हॉल से खाना बनाकर वापस जा रहे थे। सभी लोग मऊ जिले के सदर मस्जिद के रहने वाले थे और सीएम योगी ने बलिया में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हादसे में घायलों को सही इलाज के निर्देश भी दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलिया से, जहां पर देखिए 4 लोगों की मौत हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में मनीष मिश्रा जुड़ गए हैं। मनीष, कैसे हुआ ये हादसा, क्या ज्यादा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बता दें आपको, ये दर्दनाक सड़क हादसा बलिया के गढ़वाल थाना क्षेत्र में हुआ है। गढ़वाल थाना क्षेत्र के चिलगहर मोड़ के पास एक ऑटो अज्ञात वाहन से टकरा गई। बीती रात ये घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और ऑटो में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 3 को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जबकि 5 घायलों का इलाज जिला अस्पताल बलिया में किया जा रहा है। ऑटो में सवार जो जिन लोगों की मौत हुई है या जो लोग घायल हैं, ये मऊ के रहने वाले हैं और देर रात गए किसी मैरिज हॉल में खाना बनाकर घर वापस जा रहे थे। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनीष आपका। आगरा में कार आग का गोला बन गई, आग से कार जलकर राख हो गई है। मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। बमरोली कटारा क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आप देखिए, देर रात की ये तस्वीरें जहां पर कार में आग लग गई थी और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, जिसके बाद में आग को बुझाया गया। तो ये पूरा मामला बमरोली कटारा क्षेत्र का है। कौशाम्बी में हाईवे किनारे एक लड़की जख्मी हालत में बेहोश पड़ी मिली। सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और 3 साल से उसका प्रयागराज में इलाज चल रहा है। लड़की के सिर और हाथ में गंभीर चोट के निशान है। पुलिस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में आने के बाद में लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। तो हाईवे किनारे बेहोश हालत में लड़की मिली, जिसके बाद में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद में रेफर भी किया गया। लेकिन अभी जानकारी ये मिली है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल अभी लड़की होश में नहीं है। होश में आने के बाद में पुलिस पूछताछ करेगी और बयान दर्ज करेगी। तो कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लड़की जो कि बेहोश हालत में हाईवे किनारे पड़ी मिलती है और शरीर में चोट के निशान भी है। ज्यादा जानकारी के साथ में धारा सिंह यादव जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। धारा, कौन है ये लड़की, क्या लड़की की अभी तक पहचान हो पाई है और क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या जानकारी मिल पाई है पूरे मामले में? देखो, पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है कि लड़की पिछले 3 सालों से रूप से बीमार है और शाम 7 बजे घर से बिना बताए निकली मिलती है, उसके ऊपर बेहद ही गंभीर चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस द्वारा उसे अस्पताल लिया गया कराया गया है। पुलिस का मानना है कि लड़की के होश, तो लड़की बेहोश हालत में मिली, जिसके बाद में फिलहाल अभी शुरुआती जांच में इतना ही पता चल पाया है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया धारा सिंह आपका। शाजापुर पुलिस ने 2 दिन पहले हुई फायरिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी अच्छी नहीं होने पर लड़कों में विवाद हो गया था, इसी से नाराज दोस्तों ने जानलेवा हमला बोला था और फायरिंग में एक लड़के के हाथ में गोली लगी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना चौक कोतवाली का यह मामला है जहां पर जन्मदिन पार्टी हुई थी और इस पार्टी में विवेक के कई दोस्त शामिल हुए थे। पार्टी अच्छी नहीं होने पर दोस्तों में विवाद हो गया, जिसके बाद में उनके बीच आपसी फायरिंग हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए। घटनाओं में शामिल 1 बजकर अभिषेक पुत्र श्री चंद्र और 2 बजकर ऋषभ कुमार पुत्र अरविंद, जो दो निवासी रोशनगंज है,
इनको थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पास से एक एक अगर तमंचा 315 वो घटना प्रयुक्त हुआ है, मैं कारतूस बरामद किया गया है। दोनों चलान न्यायालय किया गया, विचना की जा रही है, जो तथ्य सचाएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी पीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल यूपी एसटीएफ ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कुल 10 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद भी की गई है। देवरिया में यूपी पीईटी परीक्षा में 4 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ये लोग दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। चारों फर्जी परीक्षार्थी बिहार के रहने वाले हैं। उधर उन्नाव में एक सॉल्वर भी पकड़ा गया।